हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कम निवेश के साथ आप डेली कैश इनकम के बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है ये बिजनेस। दोस्तों, सबसे पहला जो बिजनेस है वो है ब्यूटी सैलून। अब एक ब्यूटी सैलून भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित और उभरता हुआ कारोबार है। इस सेगमेंट में इतने सारे सफल रिटेल ब्रांड आप पाएंगे। आप अपने ब्रांड के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यह अत्यधिक लाभदायक है और दैनिक नगद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर और बहुत कम निवेश के साथ बहुत कम जगह पे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको मार्जिन अच्छा होता है क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट इसमें लगते हैं वो बहुत कम मात्रा में लगते हैं और ये एक सर्विस बिजनेस है और इसमें आपको जो है निरंतर कैश का फ्लो आपके पास बना रहता है और डेली आपके पास कैश की इनकम होती रहती है। और विभिन्न फेस्टिवल्स वगैरह में या फिर शादी ब्याह के ओकेज़न में इसमें आपको अच्छी इनकम और भी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेस है वो है केक की दुकान। सैंडविच, पेस्ट्री, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और सूखे मिठाई जैसे भोजन खाने के लिए तैयार कुछ और किस्म के केक की दुकान एक लाभकारी रिटेल कारोबार है जो आप मध्यम पूंजी निवेश से शुरू कर सकते हैं। अत्यधिक लाभदायक है और दैनिक नगद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर बहुत कम जगह पर और बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी आपको मार्जिन काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, केक की दुकान जैसा कि आप जानते हैं एक चलने वाला बिजनेस है और जैसे जैसे ओकेज़न कोई आते रहते हैं या कोई फेस्टिवल्स आते हैं उसमें इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसको आप बहुत ही कम जगह में शुरू कर सकते हैं और जो इसमें मार्जिन होता है वो अच्छा होता है और इसमें आपको डेली कैश की इनकम होती रहती है, इसमें क्रेडिट नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके बाद है रिफिलिंग स्टोर। दोस्तों, कार्ट्रिज रिफिलिंग स्टोर भारत में सफल खुदरा अवसर है। सरल उपकरण और कच्चे माल रखने के द्वारा आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं जहां काफ़ी मात्रा में प्रिंटर कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक लाभदायक है और दैनिक नकद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रिंटर हर जगह यूज़ होता है, दुकान, घर और ऑफिसेज में, और कार्ट्रिज जो है उसकी रिफिलिंग की डिमांड हमेशा बनी रहती है और इसमें जो इंक लगती है वो बहुत ही सस्ती होती है और इसमें आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें आपको इंक और कुछ टूल्स चाहिए और आप इस प्रकार रिफिलिंग स्टोर खोल सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं और इसमें आप डेली की कैश इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेस है वो है कॉस्मेटिक स्टोर। चूँकि लोग अधिक सौंदर्य उपस्थित होते जा रहे हैं, शरीर की देखभाल, त्वचा देखभाल, बालों की देखभाल और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के साथ कॉस्मेटिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड उत्पादों के साथ कॉस्मेटिक स्टोर खोलना एक लाभ का बिजनेस है। यह नकद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों, जो इसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है और गैर ब्रांडेड प्रोडक्ट में 50% तक मार्जिन होता है। तो इस प्रकार आप इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं और डेली की कैश इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसके बाद जो दूसरा आइडिया है वो है क्रॉकरी स्टोर। लोग ना केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्रॉकरी आइटम खरीदते हैं बल्कि उपहार देने के लिए भी क्रॉकरी आइटम खरीदते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। क्रॉकरी स्टोर एक लाभदायक खुदरा व्यापार है जो कि पर्याप्त पूंजी निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। अत्यधिक लाभदायक है और दैनिक नगद आय व्यवसाय है। आप इसे दुकान किराए पर लेकर बहुत कम निवेश के साथ बहुत छोटी सी जगह पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं और इसकी डिमांड निरंतर बनी रहती है। जो इसके बाद बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है उपहार की दुकान यानी कि गिफ्ट शॉप। देश के अभूतपूर्व आर्थिक विकास, बढ़ते आय के स्तर और अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के संपर्क में भारतीय उपहार देने वाले क्षेत्र का चेहरा बदल गया है। उपहारों के अभिनव और व्यक्तिगत संग्रह के साथ एक उपहार की दुकान जैसे ग्राहकों का अनुभव, उपहार, निजीकृत उपहार जैसे कई नए प्रकार के उपहार जैसे गोल्ड प्लेटेड गुलाब, मुलायम खिलौने, अभिवादन कार्ड बहुत लोकप्रिय आइटम है। अत्यधिक लाभदायक है और दैनिक नगद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और दोस्तों, इसमें भी मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है और इस प्रकार आप गिफ्ट शॉप स्टार्ट कर सकते हैं और डेली कैश इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है किराना दुकान। एक छोटी सी किराने की दुकान अभी भी हमारे देश में एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय माना जाता है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि व्यवसाय किसी प्रकार के कौशल या विशेषता की मांग नहीं करता है। इसके अतिरिक्त व्यापार दोनों ग्रामीण और शहरी उद्यमियों के लिए एक समान रूप से आकर्षक प्रस्ताव है। अत्यधिक लाभदायक है और दैनिक नगद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और इसमें डेली की अच्छी कैश इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आइडिया है वो है ऑर्गेनिक स्टोर। भारत में जैविक खाद बाजार, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाजार 20-25 की रेशो से बढ़ रहा है। यह उद्यमियों के लिए एक उभरती हुई खुदरा व्यापार का मौका है बशर्ते वो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें। अत्यधिक लाभदायक है और दैनिक नगद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर
बहुत कम निवेश के साथ बहुत छोटी सी जगह में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वो केमिकल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते हैं। इस प्रकार इसकी मांग बढ़ रही है और आप इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं और डेली की कैश इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आइडिया है वो है प्री स्कूल का। किड्स को घर पर मूलभूत जानकारी देने के बजाय एक बच्चे को प्री स्कूल भेजना माता पिता द्वारा टीयर 3 और टीयर 4 शहरों में अधिक प्रभावी माना जा रहा है। मध्यम वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ते आय के स्तर और उच्च गुणवत्ता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। शहरीकरण के कारण टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में ब्रांडेड पूर्व विद्यालयों की मांग बढ़ रही है। यह अत्यधिक लाभदायक है और नगद आय व्यवसाय है। आप इसे बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार प्री स्कूल शुरू करना एक लाभ का बिजनेस है। इसमें किसी प्रकार के लाइसेंस या रेगुलेटरी की भी जरूरत नहीं होती है। दोस्तों इसके बाद है ट्रैवल एजेंट बिजनेस। विश्व स्तर पर यात्रा और पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। भारतीय पर्यटन दुनिया भर में सबसे विविध उत्पादों की पेशकश करता है। देश के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, सुंदरता, धर्म और दवा की विविध बजट और लग्जरी यात्रियों को आकर्षित करता है। भारत में पर्यटन ने वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। यह अत्यधिक लाभदायक है और नगद आय व्यवसाय है। आप इसे दुकान किराए पर लेकर या घर से बहुत ही कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ट्रैवल एजेंट बनकर आप ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हैं, उनकी टिकट या उनके पैकेज को बुक कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आइडिया है वो है महिलाओं के वस्त्र। महिला विशेष कपड़े एक लाभदायक खुदरा व्यापार का मौका है। यह एक बुटीक स्टोर या डिजाइनर साड़ी स्टोर हो सकता है या आकस्मिक यास्मिक पहनने की दुकान हो सकती है। स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार आप इसको सही प्रोडक्ट चुन के स्टार्ट कर सकते हैं और ये एक दैनिक नगद ये डेली कैश इनकम वाला व्यवसाय है। आप इसे दुकान किराए पर लेकर बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आइडिया है वो है रेस्टोरेंट यानी कि खाने की दुकान। खाद्य और पेय उद्योग भारत में सबसे तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों में से एक है और रेस्तरा व्यवसाय को सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। यह एक अच्छा रिटेल कारोबार है, अत्यधिक लाभदायक है। इसमें जो मार्जिन होता है 50% तक होता है और दैनिक नगद आय व्यवसाय है। आप इसे एक दुकान किराए पर लेकर और बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप रेस्टोरेंट शुरू करके अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं और डेली का कैश रेवेन्यू कमा सकते हैं और इसमें 50% तक मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो मैंने आइडियाज़ बताए हैं इनमें आपको डेली की कैश इनकम होगी। इनमें क्रेडिट के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर इसमें आप अपनी क्वालिटी और सर्विस बनाए रखें तो आपको कैश रिच बिजनेस ये जो है बहुत अच्छी इनकम दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपको आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली बार।